आगरा में लुधियाना से युवा साहित्यकार डॉक्टर जसप्रीत कौर फलक जी उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि साहित्य साधिका समिति हमारे जरा से आग्रह पर, हमारे निवेदन पर, उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए अपनी पूरी महिला टीम के साथ उपस्थित है। शहर के बड़े साहित्यकार यहाँ जसप्रीत जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। उसमें मेरी गुरुमा डॉक्टर सुषमा सिंह जी, जिन्होंने साहित्य साधिका समिति की स्थापना की है, आदरणीय मिथिलेश पाठक जी, आदरणीय नीलम रानी गुप्ता जी, मेरी बड़ी दीदी, बहुत प्यारी दीदी डॉक्टर सुनीता चौहान जी, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री अशोक बंसल अश्वी जी और श्री जसप्रीत कौर फलक। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जसप्रीत जी का पहला हिंदी काव्य संग्रह 2013 में आया, चुपका गीत। चुपका गीत, और जिसने चुपका लिख लिया वो कोलाहल का तो लिख ही लेगा। जिसको चुपको सुनने की तमीज है तो वो कोलाहल के बीच रहकर भी चुपका सृजन कर सकता है और चुप के बीच रहकर कोलाहल को सुन सकता है, समझ सकता है। तो चुपका गीत पहला संग्रह आया, और इसके बाद रेत पर रंगोली दूसरा कविता संग्रह आया 2018 में, और 2021 में इनका पंजाबी काव्य संग्रह आया आठवें रंग की तलाश। सात रंग को दुनिया ने देखे और आठवां रंग की तलाश, बहुत ही बढ़िया शीर्षक और बड़ी जिज्ञासा बढ़ाने वाला है, जो सोच है, एक दर्शन जीवन का झलकता है। और एक गजल संग्रह इनका आया इश्क समंदर को है। गजल संग्रह बहुत जिज्ञासा जगाता है, इश्क अगर समंदर नहीं तो क्या दरिया है, क्या इश्क एहसास बयां करने का जरिया है, इश्क है क्या। तो ये सारे सवालों के जवाब इस किताब में मिलेंगे, जो टॉपिक में इश्क की तरह प्रकाशित है। और लेखिका की अनुदित पुस्तकें हैं, जिसमें एक किताब है आपकी मरजानिया 2018 में आई है, ये चुपका गीत का पंजाबी अनुवाद है, और इसको प्रोफेसर अवतार सिंह जोड़ा जी ने किया है। एक इनका चुपका गीत का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है, जो डॉक्टर जगतार धीमान जी ने किया है, पोर्ट्रेट सेंस फ्रेम 2021। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और गुजराती में इनके अनुवाद हो रहे हैं। गुजराती में कैनवस के पास का अनुवाद है, और ये किताब हमारे हाथ में बहुत ही खूबसूरत आठवें रंग की उड़ान। और आपके संपादन में एक किताब आई है, रुद्रता अटल, ताजा संग्रह है ये जी। आपका अटल जी पर शोध कर रही है, पीएचडी भी आपकी अटल जी पर है। आप जो है छोटे छोटे जीवन से जुड़े नवीनतम संग्रह है, और ये भी नवीनतम है कैनवस के पास। और मैं ये बताना चाहूंगा, इस संग्रह का विमोचन कल केएमआई के सूर सभागार में वरिष्ठ साहित्यकारों ने किया। डॉक्टर उमापति दीक्षित जी ने, आपके प्रोफेसर मिनहाज बाहर से आए थे, प्रोफेसर इशरत जहां थी उन्होंने, तबस्सुम खान, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, प्रोफेसर प्रदीप सीधर जी और तमाम साहित्यकारों ने कल इस किताब का विमोचन किया। कल विश्व कल्याण में सिख धर्म के योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, और उसमें आप एक विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित हो। जब एक युवा रचनाकार को गुरु शहर से किसी अन्य प्रांत से इस तरह विशिष्ट वक्ता के रूप में बुलाया जाता है, तो भीतर के लेखक को एक नया हौसला और ऊर्जा मिलती है। तो मुझे लगा ये एक अवसर है कि इनको यहाँ बुलाया जाए, और साहित्य साधिका समिति जो महिलाओं को ही लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विगत एक दशक से बहुत गंभीरता से काम कर रही है, तो उनका अगर इन्हें आशीर्वाद मिले और आगरा में लुधियाना की साहित्यकार को साहित्य साधिका सम्मान मिले, तो इनके मुझे लगता है इनको पंख लगेंगे और भी नए नए मंच मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम सबकी दुआएं और आशीर्वाद इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।